हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गोपाल परमार, आई एम योर कंप्यूटर टीचर। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर कंप्यूटर चैप्टर 1। देर आर थ्री जनरेशन लिविंग इन माई हाउस। पहले हम लोग जनरेशन क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। माई जनरेशन, माई ब्रदर एंड माई सिस्टर। फिर आता है सेकेंड, माई फादर जनरेशन, हिज ब्रदर एंड सिस्टर्स। ग्रैंडफादर्स जनरेशन, हिज ब्रदर एंड सिस्टर। तो ये जो क्या है, ये तीन जनरेशन दिखाया गया है, दादाजी वाला, फिर उसके पापा वाला, और तीसरा जो लड़का है उसकी। पीपल बोर्न इन द सेम एरा आर कॉल्ड पीपल्स ऑफ सेम जनरेशन। सिमिलरली कंप्यूटर्स दैट कम इनटू एक्सिस्टेंस इन द सेम एरा आर कॉल्ड द कंप्यूटर्स सेम जनरेशन। एक ही जनरेशन में जो भी कंप्यूटर इन्वेंट हुए हैं वो उस जनरेशन के कंप्यूटर कहे जाते हैं। हमने सिक्स स्टैंडर्ड में भी देखा था कि हिस्ट्री क्या थी कंप्यूटर की। तो अब हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स इज द फंडामेंटल बेस ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स। डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर का जो डेवलपमेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक के साथ जुड़ा हुआ है। द एरा ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्टेड विद द वैक्यूम ट्यूब, लेटर विद द एडवेंट ऑफ न्यू रिसर्चेस एंड टेक्नोलॉजी। इलेक्ट्रॉनिक्स अंडरवेंट मेनी एरास। डिफरेंट एरास ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आर एज फॉलोज। इलेक्ट्रॉनिक का जब डेवलपमेंट हुआ उसके साथ कंप्यूटर में भी बहुत सारे नए नए रिसर्चेस होते गए और धीरे धीरे चेंज आता गया। तो सबसे पहले क्या था, इरा ऑफ वैक्यूम ट्यूब। द मोस्ट फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कॉल्ड वैक्यूम ट्यूब वॉज इन्वेंट इन 1904। इट वॉज यूज इन ऑल द इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। अर्लियर कंप्यूटर वर मेड यूजिंग वैक्यूम ट्यूब। सबसे पहले 1904 में वैक्यूम ट्यूब आई थी, उसका इन्वेंट हुआ था, और उसी में से धीरे धीरे उसका इन्वेंट हुआ। उसके बाद आई ट्रांजिस्टर। तो सेकंड है इरा ऑफ ट्रांजिस्टर। फिर आया ट्रांजिस्टर का युग। आफ्टर वैक्यूम ट्यूब कम द इरा ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर वॉज इन्वेंटेड इन 1947। वन ट्रांजिस्टर वॉज इक्वलेंट टू मैनी वैक्यूम ट्यूब। एक ट्रांजिस्टर जो था वो बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब के बराबर था। विद द एडवेंट ऑफ ट्रांजिस्टर ऑल द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस स्टार्टेड यूजिंग ट्रांजिस्टर। आफ्टर वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर स्टार्टेड यूजिंग ट्रांजिस्टर। पहले कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी, उसके बाद ट्रांजिस्टर यूज होने लगा। फिर उसके बाद आता है इंटीग्रेटेड सर्किट IC। आफ्टर ट्रांजिस्टर कम द एरा ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इंटीग्रेटेड सर्किट आर आल्सो कॉल्ड IC इन शॉर्ट। IC वॉज इन्वेंट अराउंड 1964। वन IC वॉज इक्वलेंट टू 1000 ऑफ ट्रांजिस्टर। विद द एडवेंट ऑफ IC ऑल द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस स्टार्टेड यूजिंग IC। फिर सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होना स्टार्ट हो गया था। आफ्टर ट्रांजिस्टर कंप्यूटर ऑल्सो स्टार्टेड यूजिंग ICs। और उसके बाद आता है VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो VLSI इरा में क्या था, आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ ICs साइंटिस्ट स्टार्टेड पैकिंग मोर एंड मोर ट्रांजिस्टर इन द सेम स्पेस। नाउ मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर आर बीइंग पैक्ड इन अ वेरी स्मॉल चिप। दिस टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड VLSI टेक्नोलॉजी। VLSI टेक्नोलॉजी केम इनटू एक्सिस्टेंस अराउंड 1972। मॉडर्न कंप्यूटर आर यूजिंग VLSI चिप्स इन देयर डिजाइन। अब जो भी मॉडर्न कंप्यूटर आता है, जैसे हमारा मोबाइल है, लैपटॉप है, PC है, सब में VLSI चिप ही यूज होती है। अब है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर की जनरेशन क्या है वो हम देखेंगे। कंप्यूटर जनरेशन आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द एरा ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट।
because computers were made using the electronic devices of that era. Following are the generation of computer. First generation computers, 1942 say 1955. First generation computer were voluminous in the size. They made use of vacuum tubes. ENISC, EDSAVSC, UNIVAC are the example of first generation computer. आप यहाँ इमेज में देख सकते हो कि उस टाइम पे के कंप्यूटर कैसे थे जिसमें वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी. देयर साइज वॉज वेरी लार्ज, देयर स्पीड वॉज वेरी स्लो, दे जनरेटेड लॉट ऑफ हीट, हैवी एयर कंडीशनिंग वॉज रिक्वायर्ड ऑफ देम, दे वर नॉट रिलायबल बिकॉज ऑफ द वैक्यूम ट्यूब. वो इतने साइज में बड़े थे और वो बहुत स्लो में काम करते थे और बहुत हीट जनरेट होती थी उसमें, और उसमें हेवी एयर कंडीशनिंग भी रिक्वायर्ड होता था, कूलिंग ज्यादा चाहिए था उसको, और वो रिलायबल भी नहीं थे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर. उसके बाद आता है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स जो 1955 से लेकर 1964 तक थे. ट्रांजिस्टर वॉज द स्मॉलर एंड मोर रिलायबल सूटेबल ऑफ वैक्यूम ट्यूब. ऑल द ट्रांजिस्टर वॉज invented in 1948, but it was used in computer in the year 1958. It was less expensive and smaller than smallest vacuum tube. It consumed less power and produced very little heat. Some of the example of second generation computer: UNIVAC 3, CDC 1400 series, हनीवेल एक्सेट्रा. वो सब क्या है, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जाम्पल है. फॉलोइंग वर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर. दे वर स्मॉलर देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. वो थोड़े साइज में स्मॉल थे. दे वर फास्टर देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. वो फास्ट थे. दे प्रोड्यूस लेस हीट. दे वर मोर रिलायबल. अब आती है थर्ड जनरेशन. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स 1964 to 75. एज द टाइम पास्ड, टेक्नोलॉजी एडवांस, देयर कम इन द एरा ऑफ स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन कॉल SSI. ड्यू टू SSI टेक्नोलॉजी इट वॉज पॉसिबल टू पुट 10 to 20 ट्रांजिस्टर सर्किट इन टू अ वेरी स्मॉल चिप. The third generation computer made use of microchips. These chips were also called ICs. Third generation में IC का use होता था. Since an IC was capable of holding many transistors, hence third generation computer were smaller in size and faster in speed. Few popular third generation computer are IBM 360 सीरीज, 370 सीरीज, यूनिवेक, HOG 9000 सीरीज एक्सेट्रा. सम ऑफ देम आर स्टिल इन यूज. और इसमें से बहुत सारे तो अभी भी यूज में है थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर. अब आता है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर. फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1975 ऑनवर्ड्स जो अब हम यूज करते हैं वो क्या है, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर. As the time was passed by, electronic scientists were working towards miniaturization of circuits. They were aiming to put more and more transistor circuit into some space. After small scale integration technology, there come a new technology called medium scale integration, MSI. उसके बाद आता है MSI. In MSI technology, it was possible to put 100 of transistor into a single chip. Earlier, fourth generation computer made use MSI technology. Later, large scale integration technology was developed, which was able to put around 30,000 transistor circuit into a single chip. इसमें 30,000 transistor एक ही चिप में आ सकते हैं.
आफ्टर LSI कम द ईरा ऑफ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. हमने जो देखा था VLSI टेक्नोलॉजी. VLSI टेक्नोलॉजी हैज पुट मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर इनटू सिंगल चिप. VLSI में मिलियन ट्रांजिस्टर थे, मतलब एक चिप में 1,000,000 ट्रांजिस्टर भी रख सकते थे. दीज डेज कंप्यूटर आर मेकिंग यूज ऑफ VLSI टेक्नोलॉजी. कंप्यूटर दैट वी आर यूजिंग टूडे आर 4th generation कंप्यूटर. अभी जो हम लोग यूज करते हैं वो क्या है, 4th generation के कंप्यूटर. इन अदर वर्ड यू कैन से दैट 4th generation कंप्यूटर आर द कंप्यूटर्स टेक मेक यूज ऑफ VLSI टेक्नोलॉजी. और ये 4th generation के एग्जाम्पल है, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर जो हम लोग बैंक और होटल और सब जगह पे देखते हैं, फिर है लैपटॉप कंप्यूटर्स, फिर है टैबलेट और पाम टॉप, और अब तो मोबाइल भी आ गए हैं, और अब है लास्ट 5th generation कंप्यूटर्स. फ्यूचर 5th generation कंप्यूटर आर नॉट येट फुल्ली रेडी. अभी तक वो रेडी नहीं है, दे आर स्टिल इन द डेवलपमेंट फेज. अभी वो डेवलपमेंट फेज में है. दिस कंप्यूटर आर ड्रीम्स ऑफ जापानीज साइंटिस्ट. दे आर स्टार्टेड वर्किंग इन द दिस डायरेक्शन मेनी ईयर अगो. अभी वो क्या कर रहे हैं कि उसका इन्वेंशन चालू है. ऑल द मॉडर्न कंप्यूटर आर वेरी पावरफुल एंड फास्ट बट दे लैक थिंकिंग पावर. उसमें थिंकिंग पावर नहीं है. 5th generation कंप्यूटर विल हैव थिंकिंग पावर एंड कैपेबिलिटी टू मेक डिसीजन लाइक ह्यूमन बींग्स. द कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इज बींग यूज इन 5th generation कंप्यूटर. 5th generation कंप्यूटर में क्या होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जो अपने आप सोच सकते हैं, अपने आप चल सकते हैं. तो 5th generation के कंप्यूटर कुछ ऐसे होंगे. आप लोगों ने रोबोट मूवी जरूर देखी होगी, तो उसमें 5th generation के कंप्यूटर दिखाया गया है. तो 5th generation का कंप्यूटर कुछ ऐसा होगा जो सोच भी सकता होगा और अपने आप डिसीजन ले भी सकता होगा. तो अब हम एक बार फिर से देख लेते हैं. 1st generation जो 1942 से लेकर 1955 तक है, उसमें क्या यूज होता था, वैक्यूम ट्यूब. फिर है 2nd generation कंप्यूटर जो 1955 से लेकर 1964 तक थे, और उसमें ट्रांजिस्टर यूज होता था. फिर है 3rd generation कंप्यूटर जो 1964 से लेकर 1975 तक थे, उसमें क्या होता था, IC यूज होता था. और 4th generation का कंप्यूटर जिसमें VLSI टेक्नोलॉजी यूज होती थी, जो 1974 से स्टार्ट हुआ, जो अभी तक हम लोग कर रहे हैं यूज, वो सभी कंप्यूटर 4th generation के कंप्यूटर हैं. और अब जो आने वाला है वो क्या है, 5th generation कंप्यूटर्स, जो भी उसका डेवलपमेंट चालू है, मतलब वो डेवलपमेंट फेज में है. तो अब आपको कंप्यूटर की जनरेशन समझ में आ गई, तो इसको आपको अच्छे से रीड करना है और समझना है. तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में.